हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। लास्ट जो हमारी कमेंट चर्चा की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको टॉपिक दिया था प्रेगनेंसी की। आप प्रेगनेंसी के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के कॉमेंट्स मुझे मिले और मैंने उनमें से कुछ पिक भी किए हैं, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के एंड में, तो एंड तक जरूर बने रहिए। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास अंशिका शिवारिका, इन्होंने बोला है, मैम कांग्रेट्स फॉर योर न्यू होम, आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच डियर, एंड आप भी ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों चैनल्स पे हमारे वीडियोस देखा करिए, और आपका ऐसे ही साथ हमारे साथ बना रहे, आई विश दैट। एंड आपका जो क्वेश्चन है वो है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कितने दिन बाद तक पता चलते हैं, बेबी अगर ऑपरेशन से हुआ हो तो सेकेंड बेबी के टाइम क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, प्रेगनेंसी का सिम्टम पहला तो यही है कि आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होगा वो नहीं आएगा। इसके अलावा आपको चक्कर आना या वोमिट जैसा फील होना, किसी किसी खाने को देख के उसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करना, उल्टी जैसा फील होना, और कभी कभी किसी किसी खाने को बहुत ज़्यादा खाने का मन करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया, ये सब हो सकता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होता है। किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत कम, और किसी को तो बिल्कुल ही ऐसे सिम्टम नहीं होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के सिम्टम हो सकते हैं। एक मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेटली प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे, तो आप वो भी देख लेना डिटेल में जानकारी के लिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दूसरा जो आपने पूछा है कि अगर ऑपरेशन से बेबी हुआ हो तो सेकंड बेबी के टाइम क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है एक प्रेगनेंसी के बाद में, तो हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो 10 तरीके के लोग हमें 10 तरीके की बातें बता रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आता क्या फॉलो करें, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस खुद को ही होता है, तो हम खुद को और बेटर तरीके से संभाल सकते हैं। बस ऑपरेशन की अगर जहाँ तक बात हुई, तो ये है कि बहुत सारे लोग और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि अगर आपका पहला बेबी ऑपरेशन से हुआ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरा भी ऑपरेशन से ही हो, लेकिन ऐसा कोई मस्ट रूल नहीं है कि 100% ऑपरेशन से ही होगा, चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर डॉक्टर ट्राई करें और आप भी ट्राई करो, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर पहला ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा भी ऑपरेशन से हो। नेक्स्ट जो कॉमेंट है वो है अनम काजमी का, उन्होंने पूछा है, प्रेग्नेंट के बाद फर्स्ट मंथ में ही पीरियड मिस होता है। जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पीरियड्स फिर नहीं आएगा, नेक्स्ट वाला भी और उसके आगे वाला भी, मतलब जब तक आप प्रेग्नेंट रहोगे तब तक। एंड इसका ऊपर जो मतलब जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पीरियड्स इसीलिए ही आते हैं कि हमारे यूट्रस में एक लाइनिंग तैयार होती है हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए, और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो लाइनिंग वो सभी सारी श्रेड होके निकल जाती है, और उसी को ही पीरियड कहते हैं। अब जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, बच्चा है आपका, आपकी यूट्रस की लाइन श्रेड ही नहीं होगी तो पीरियड कैसे आएंगे। अगर ब्लीडिंग होती भी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो सही नहीं होती है, वो गलत होता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, वो फिर मिसकैरेज के मतलब एक लक्षण होता है कि अगर आपको पीरियड हो गया या ब्लीडिंग हो गई तो कहीं आपका मिसकैरेज तो नहीं हो गया और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई, उल्टा प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है रुचि अग्रवाल का, उन्होंने पूछा है, कैन वी यूज मेंस्ट्रुअल कप आफ्टर प्रेगनेंसी? यस ऑफ कोर्स, एंड इवन बहुत सारी फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले या डिलीवरी से पहले यूज करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब हम यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन डिलीवरी के बाद में ऑटोमेटिकली ही थोड़ा बहुत वहाँ पे जगह बन जाती है, स्पेशली जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है तो उनके लिए यूज़ करना काफ़ी इजी होता है उल्टा। और जो जिनकी ऑपरेशन से भी डिलीवरी हुई है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद या पहले या टीनेज वाले नहीं यूज़ कर सकते, टीनेज वाली लड़कियाँ भी यूज़ कर सकती हैं। हर साइज़ के कप्स आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सो यू कैन यूज इट डेफिनेटली प्रेगनेंसी से पहले भी, बाद में भी, प्रात में भी, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है बल्कि प्रोसेस। दूसरा जो नेक्स्ट कॉमेंट है हमारे पास वो है सीमा मिश्रा का, और इनका पहला क्वेश्चन है, पपाया में ऐसा क्या होता है जिससे मिसकैरेज हो जाता है? पपाया में ऐसा कोई जड़ी बूटी दवाई नहीं होती जिससे मिसकैरेज हो जाए।
और पपीता में भी जो कच्चा पपीता होता है ना हरा वाला, उसको खाने को ज्यादा मना किया जाता है। येलो वाला जो फल होता है उसको, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मना की जाती हैं शुरुआत की प्रेगनेंसी में, जैसे कि शुरू के 3 मंथ होते हैं तो उसमें आम नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, पपाया नहीं खाना, या चिकन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना। ये चीजें इसलिए मना की जाती है क्योंकि ये गर्म होती हैं ज्यादा, और ज्यादा गर्माई वाली चीजें हमें शुरुआत की प्रेगनेंसी में नहीं खानी होती है, उससे मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। पपाया ऐसे कोई स्पेशल फ्रूट नहीं है जो मिसकैरेज के लिए। बहुत सारे लोग मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस लग रहे हैं तो क्या हम पपाया खाना शुरू कर दें, उससे मिसकैरेज हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग तो, आप जितना ट्राई भी कर लो इन चीजों से नहीं होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज के रीजन क्या होते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप सही जानकारी चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट जो कॉमेंट आपका है सेकेंड वाला, उसमें इन्होंने पूछा है बच्चा होने के बाद प्लेसेंटा का क्या होता है, मतलब वो बॉडी के अंदर रहता है या निकाल दिया जाता है? अगर निकाल दिया जाता है तो वो कैसे? प्लेसेंटा अपने आप ही निकल जाता है जब बेबी की डिलीवरी होती है, उसी टाइम पे निकल जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी निकल जाएगा, और अगर सी सेक्शन है तो भी निकल जाएगा, वो बॉडी के अंदर नहीं रहता है। जो बच्चे की नाभि होती है वो प्लेसेंटा से ही जुड़ी होती है, और वो माँ के गर्भ से जुड़ा होता है जिससे बच्चे को ब्लड की सप्लाई वगैरह होती है। सो ये डिलीवरी के टाइम पे ही अपने आप निकाल दिया जाता है। सी सेक्शन होगा तो निकाल दिया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो निकल जाएगा, एंड वो नाभि को प्लेसेंटा से ही काट के अलग किया जाता है। सो ये ही प्रोसीजर होता है। बाकी जो डिलीवरी के बाद में आपके पीरियड्स भी आते हैं, वो भी यही सब चीज़ें, जो अगर बॉडी के अंदर कुछ भी रह गया है, लाइनिंग रह गई है प्लेसेंटा का कुछ जो भी है, वो सब कुछ बाद में जो हमारे पीरियड्स ब्लीडिंग होती रहती है डिलीवरी के बाद में, वो यही सब हमारी बॉडी के अंदर से क्लीनिंग हो रही होती है। बाकी आप इस पे डिटेल में जानना चाहते हो तो आप अपनी और रिसर्च कर सकते हो, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो यही नॉलेज है जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड करी। नेक्स्ट जो कॉमेंट है वो है आपका गेमर का, उन्होंने पूछा है क्या 3 मंथ प्रेग्नेंट रहने के बाद पेट बड़ा होने लगे तो ज़्यादा वेजिटेबल खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए? देखिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए। नॉनवेज अगर आप रेगुलरली खाते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम नॉनवेज जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करके अच्छा खासा उसको बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा इवन तेल मसाले वगैरह नहीं खाने चाहिए, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जलन होती है बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैंने लाइक पूरी प्रेगनेंसी में हर रोज़ डाइजीन पी है कि मेरी थोड़ी जलन यहाँ कम हो जाए। तो तेल मसाले वगैरह ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज लेना भी चाहते हो तो आप सूप की फॉर्म में ले सकते हो, जैसे चिकन का सूप, खरोड़े का सूप लोग पीते हैं, या बॉइल्ड करके लेते हैं, या बहुत ही कम मसाले में बना हुआ लेते हैं। और शुरुआत के 3 महीने में तो अवॉइड ही कीजिए, उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे पूछ के फिर आप बाद में भी नॉनवेज ले सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि अच्छे आप फ्रूट्स लें, सब्जियाँ लें और नट्स लें, और डॉक्टर जो साथ में सप्लीमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो ज़रूर लें। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है विशु का, उन्होंने पूछा है क्या प्रेगनेंसी में बैठकर पोछा लगाना सही है या फिर वाइपर का ही यूज़ करना चाहिए? अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, डेफिनेटली आप बैठकर पोछा लगा सकते हैं, और अपने घर के रेगुलर काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं जैसे आप करते आए हैं। इवन पोछा लगाना तो ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बैठ के अगर आप लगाते हो तो वो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ाता है। आपको अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो वो भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली बच्चे की नीचे जगह बनती रहती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएं। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है आकाश शर्मा का, उन्होंने पूछा है मैम मेरी शादी को 6 मंथ हो गए पर मेरी वाइफ प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही है। देखिए, आप 1-2 महीने और ट्राई कीजिए, और ओव्यूलेशन के टाइम पे ट्राई कीजिए जब आपकी वाइफ का ओव्यूलेशन वाला पीरियड चल रहा हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरी इस पे वीडियो है, ओव्यूलेशन कैसे पता करें, कैसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों आपके, तो उन पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उन्हें ज़रूर देखना, चेक करना और इस तरीके से ट्राई करके देखना प्रेगनेंसी के लिए। और फिर भी अगर आपके 2-3 महीने ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी अगर नहीं अचीव होती तो फिर आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं, आपको और आपकी वाइफ दोनों का वो चेकअप करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से वो आपको आगे गाइड करेंगे। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है विशु का अगेन, उन्होंने पूछा है 1 पर्सनल क्वेश्चन, दी मेरी दीदी के ऑलरेडी 2 बेबी गर्ल हैं,
और वो 2 बार अबॉर्शन भी करा चुकी है क्योंकि उनकी फैमिली को एक बॉय भी चाहिए और इस टाइम वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो क्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से को जेंडर का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और आपको तो ये पता होना चाहिए अगर आप इतने समझदार हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं एंड कमेंट कर रहे हैं कि ये इंडिया में इलीगल है कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू बच्चे के जेंडर का पता लगाएं, क्योंकि ऐसे ही सोच वालों के लिए ये नियम बनाया गया था और बहुत ही सही बनाया गया है। मैं इसे पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ कि जैसे ये लोगों को लड़का ही चाहिए होता है, बहुत से लोगों को सिर्फ लड़की ही चाहिए होती है, तो आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ऐसे, और ये तो ऊपर वाले की देन होती है, आपको लड़का होगा या लड़की। एंड अच्छा ही है कि ये बंद हो गया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ना तो आप पूछ सकते हैं किसी से, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड वाला या कोई नर्सिंग होम वाला, ना ही कोई डॉक्टर आपको जेंडर रिवील कर सकता है बेबी का। एंड आप उनसे बात करके देखिए, उनकी फैमिली से, आपके घर के कोई बड़े हों या जैसे आपके मम्मी पापा हैं, वो लोगों को उनको समझाना चाहिए कि ज़माना भी चेंज हो गया है और इस तरीके से उन्हें ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए। आपके सिस्टर के अगर इतने ज़्यादा अबॉर्शन वो अगर करा रहे हैं इस रीज़न से, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी बॉडी पर इसका इफेक्ट हो सकता है, उनकी बॉडी अंदर से कमज़ोर हो रही है और भी वर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं उनकी बॉडी पर। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको लोगों को रोकना चाहिए, आपकी फैमिली को रोकना चाहिए और उनके इस ऑब्सेशन को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है वो है सोनल प्रधान का, और उन्होंने पूछा है सिर्फ 1 बार करने से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और अंदर बहुत थोड़ा सा ही गया हो तो क्या तब भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं? जी हाँ, 1 बार से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, थोड़े से भी हो सकती है। इवन जो सीमन की एक बूंद होती है ना, उसमें भी मिलियंस में स्पर्म होते हैं और प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म काफ़ी होता है। सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म जो जाके एग के साथ फर्टाइल करता है, उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको लोगों को मेरे आंसर्स सेटिस्फाइड लगे हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक रखें, एंड सीरियसली आई एम जस्ट ब्लैंक क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा और क्या टॉपिक दूँ, मेरे टॉपिक अब ख़त्म हो रहे हैं। आप लोग ही कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि और हम क्या क्या टॉपिक पिक कर सकते हैं इस सीरीज़ में, कमेंट कर जाके जिन पे हम बात करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में भी। और फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है, आपके मन में जो भी सवाल हो, चाहे वो कोई बोल्ड क्वेश्चन हो, कोई प्रेगनेंसी का क्वेश्चन हो, पीरियड का क्वेश्चन हो, रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप भेज सकते हो। सो नेक्स्ट कमेंट चर्चा के लिए आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन भेजिएगा और प्लीज़ मुझे कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिएगा जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।